ओम शांति। आपका प्रश्न है, किसी से दुखी होकर कोई आत्महत्या क्यों कर लेता है? जितने भी लगभग आत्महत्या के केस आते हैं, उनका कारण भय दुख ही होता है। चाहे नाम मान शान का भय हो, इज्जत चली जाएगी इस बात का भय हो, बेइज्जती होगी, या बहुत ज्यादा कोई नुकसान होने का भय, कोई ऐसी अवस्था जिसको वो फेस ना कर सके, किसी ने ऐसा व्यवहार किया जो उससे सहन नहीं हो रहा, ये स्थूल रूप से दिखाई देते हैं कि इनके कारण किसी ने आत्महत्या की है। और भी कारण हो सकते हैं, परंतु सबसे पहली बात हमें यह समझनी है कि आत्महत्या कभी होती नहीं। क्योंकि मनुष्य स्वयं को नहीं जानता, स्वयं को देह समझता है और देह की हत्या को आत्महत्या कह देता है, स्वयं की हत्या कह देता है, परंतु वास्तव में यह होती है देह की हत्या। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसकी तो हत्या हो ही नहीं सकती। अब ये देह की हत्या क्यों होती है? वास्तव में आत्मा में पूरे 5,000 साल की रिकॉर्डिंग है। उसने कैसे कैसे इस संसार में आकर किस किस आत्मा के साथ क्या क्या सुख व दुख देना व लेना है, और वापिस इस संसार से जाने से पहले कैसे कैसे वो हिसाब बराबर करके जाना है, वो हर आत्मा में रिकॉर्ड है। जो इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्यूरेसी में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वंडरफुल है, अनबिलीवेबल है, परंतु गौर ने आके समझाया है तो क्लियर हो गया, वाह व्हाट ए वंडरफुल ड्रामा। सारे राज एकदम बुद्धि में स्पष्ट हो गए, कोई डाउट ही नहीं रहता। उस आत्मा को एक्यूरेट टाइम पर शरीर को छोड़ना होता है। जैसे छोड़ना है निश्चित है, क्योंकि हर एक्ट किसी ना किसी क्रिया की प्रतिक्रिया है। वो एक एक्ट
अनेक कार्मिक अकाउंटों को बराबर करता है। और हर एक का एक्ट अलग अलग है। एक आत्मा तुरंत कुछ ऐसी एक्टिविटी करती है कि शरीर छूट गया, वो कुछ भी हो सकता है, ट्रेन के आगे कूदना है, फांसी लगाना है, या बहुत जिसको बोलते हैं हीरा चख लिए, क्या बोलते हैं, पॉइजन ऐसा स्ट्रांग होता है कि जिसको टेस्ट करते ही, हीरे को चखते ही वो मर जाता है। साइनाइड जिसे हम बोलते, उसका टेस्ट आज तक कोई बता ही नहीं सका। क्या हुआ, जो चखते हुए वो मर गया, और कोई बहुत समय तक तड़पता रहता है, ये उसका कार्मिक अकाउंट है। उसने तड़पेगा नहीं, दुख पाएगा नहीं। जो हिसाब बराबर करना है दुख का, वो कैसे बराबर होगा? उस तड़पण को दूर करने के लिए उसने डॉक्टरों के पास जाना है, तो डॉक्टरों को भी कर्जा देना है, वरना डॉक्टरों को कर्जा जाकर कैसे दे? किसी ने कुछ कह दिया हो, किसी ने कुछ बोल दिया हो, किसी ने कुछ कर दिया हो, वो तो एकमात्र बहाना है, डजंट मैटर। उसने कहा क्योंकि उसने अपना हिसाब बराबर किया। इसने तो अपने आप, चाहे वो पॉइजन लिया हो, चाहे उसने कोई ऐसा अटेम्प्ट किया हो, कोई भी कोशिश की हो, जिसके कारण उसके अंग खराब हो गए, और वो कई टाइम तक सरवाइव भी कर जाता है। किसी ने सरवाइव नहीं करना है। कितने हैं जो ट्रेन के आगे कूदे, उनके कोई अंग कट गए परंतु बच गए, और कई साल तक जीवित रहे। अब उन्होंने सारी जिंदगी, बाकी जिंदगी उन अंगों के बिना रहना था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या, देह की हत्या करने का यह प्रयास किया, और उन अंगों के बिना जीवित रहे। और कोई तड़प तड़प कर जितना भी समय है, जितना भी उसमें डॉक्टरों का कर्जा हो गया, परिवार वालों का दुख उठाना हो गया, पुलिस केस बन गया, वो हो गया, कोर्ट में जाना हुआ, वो हुआ, दुनिया भर के कितने कितने क्या 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 होते हैं वो आप समझ सकते हैं। वो सब हिसाब किताब है। और कितने लोग, परिवार के लोग उनको मिलने आ रहे हैं, देने आ रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, कुछ भी टॉन्ट कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, वो भी कार्मिक अकाउंट सबका बराबर हो रहा है। सब अपने अपने कार्मिक अकाउंट को बराबर करने के लिए बहाने हैं। अब वो यदि पॉइजन ना ले, वो यदि किस प्रकार का अटेम्प्ट ना करे, तो बाकी सारी आत्माएं अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कैसे करें? और जिन जिन का कार्मिक अकाउंट बराबर होता जा रहा है, तो कल्याण होता जा रहा है ना। वो सुख का भी हो सकता है, वो दुख का भी हो सकता है, क्योंकि समय रुकने वाला नहीं है। हर एक्ट अपने समय पर एक्यूरेट होता ही जाता। जितना डॉक्टरों को कर्जा मिलना है, मिलेगा तभी तो छुट्टी होगी ना। पहले शरीर छूट जाए तो कैसे कर्जा देंगे उनको? और फालतू भी एक सेकंड नहीं रुक सकता।
उससे संबंधित जितनी भी आत्माएं हैं उनका भी अपना अपना कार्मिक अकाउंट है, वो अपने उसी कार्मिक अकाउंट के हिसाब से आना जाना, मिलना, खाना पीना, रिक्शा गाड़ी, क्या क्या जो कुछ भी करना पड़ता है, आप समझ सकते हैं इस बात को, वो सब अपने अपने समय पर होगा। और उस आत्मा ने समय तो अपने ही समय पर शरीर को छोड़ना है ना, एक सेकंड पहले नहीं छोड़ सकता, एक सेकंड लेट नहीं, क्योंकि उसका हिसाब किताब अपने एक्यूरेट टाइम पर पूरा होगा। और जब पूरा होगा तभी आत्मा शरीर को छोड़ेगी और गर्भ में प्रवेश करेगी। और एक्यूरेसी ऐसी है कि उसके शरीर छोड़ने से पहले लगभग 3 महीने का गर्भ तैयार होता है। आत्मा ने इधर शरीर छोड़ा और उधर मां के गर्भ में प्रवेश किया। अब उसने क्यों का क्वेश्चन उठ नहीं सकता, ड्रामा पर क्यों का क्वेश्चन उठाना माना परमात्मा के ज्ञान में अपना अविश्वास, डाउट खड़ा कर। अज्ञानता का परिचय देना, कि और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओ नहीं, ओम शांति।